अचानक बिना बादल के ही आसमान में बिजली क्यों चमकने लगी? आखिर इसकी वजह क्या है? चलो दादाजी के पास चलकर पूछते हैं। ठीक है वीर। लगता है कि कोई बिजली के साथ कुछ ना कुछ खेल कर रहा है, वरना सूखे आसमान में बिजली कभी नहीं चमकती और ना ही ऐसे गिरती है। वेरी वेरी ग्लैड, अब मेरे पास आसमानी बिजली का पावर आ गया है। आसमानी पावर, अब मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा, बहुत शक्तिशाली। म्याऊ, यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। टिम्बक्टु तैयार हो जाओ, अब वीर को खत्म करने का टाइम आ गया है। आपको चोट तो नहीं लगी ना? आपको रोड क्रॉस करना है, आइए मैं करा देता हूँ। बेटा, मेरी मदद ही करना चाहते हो ना, तो मुझे घर तक पहुँचा दो, यहाँ पास ही में मेरा घर है। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। अब तुम्हें देर हो रही होगी, तो तुम वापस लौट जाओ, लेकिन जाने से पहले मुझे फ्रिज से निकाल कर एक बोतल पानी दे के जाना। रोबो बॉय सूट ऑन, रोबो बॉय सूट ऑन। शाबाश टिम्बक्टु, आज तुमने कोई गलती नहीं की, अब वीर हमारे कब्जे में है। अब ये नाचेगा मेरे इशारों पर। वीर, तुम्हारा बॉस कौन है? आप हो बॉस। फाइनली अब वीर मेरा हो गया, मेरा। वीर, जाओ और डॉक्टर प्रेम सहाय को खत्म कर दो, ताकि वो कोई दूसरा वीर जैसा रोबोट ना बना सके। जाओ। ओके बॉस। क्या कर रहा है वीर, तो ऐसा कभी नहीं था। ये वीर ही है ना, कोई दूसरा तो नहीं। वीर का हम शक्ल, ये हीरो नहीं, ये तो विलन है। ये वीर ही है, अब यहाँ से भागो, जल्दी दादाजी के पास चलो। दादाजी, दादाजी, वीर। मैं ठीक हूँ, लेकिन वीर ठीक नहीं है, उसे किसी तरह रोकना होगा, वरना वो कुछ ही पल में पूरा फुर्सतगंज तबाह कर देगा। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है दादाजी, जैसे उसका टारगेट आप हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, उसके सिस्टम में किसी ने जरूर कुछ चेंज किया है।
अब उसे कैसे रोका जाए ताकि मुझे उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। मैं उसे रोकूंगी दादाजी, मैं वीर से लड़ूंगी। रुको इमली, तुम इस तरह वीर को नहीं रोक सकती, उसके अंदर रोबोटिक पावर है। ये लो, ये जैकेट पहन लो, अब तुम में भी पावर्स आ जाएंगी। तुम बस उसे किसी तरह उलझा कर रखो, तब तक मैं कुछ हल निकालता हूँ। ओके दादाजी। के चार्जिंग स्लॉट में एक रेड चिप लगी है, उसे निकालो। ओके। आखिर मेरा कॉन्टैक्ट वीर से कैसे टूट गया? दादाजी क्या हुआ, हम यहाँ क्यों हैं? सब टूटा फूटा क्यों है यहाँ? वेलकम बैक वीर। इमली, तुमने बड़ी बहादुरी से एक बहुत बड़ा काम किया है। आखिर हुआ क्या है ये तो बताइए। वीर वीर, तुमने डॉक्टर प्रेम सहाय को खत्म कर दिया ना? हाँ कर दिया। वेरी गुड। मुझे टिम्बक्टू की तरह उल्लू समझते हो क्या? मैं उसी वक्त समझ गया था जब मेरा तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट कट गया था कि तुम्हारे अंदर से चिप निकल चुकी है। तो अब इस भाषा में समझ लो, ये लो, ये लो। समझने की बारी अब तुम्हारी है वीर, वो भी आखिरी बार। Ah! 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 Ah
बॉस अपना कुछ नहीं होने वाला बॉस। भलाई इसी में है कि भाग लो। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे भी ले चलो बॉस। आविष्कार पूरा हो गया। अब मैं फुर्सत गंज और वीर को अपने रास्ते से हटा दूंगा। बॉस, यू आर जीनियस। पर बॉस, आपका ये आविष्कार नजर क्यों नहीं आ रहा है? आखिर क्या कमाल किया है आपने? तुम मेरे आविष्कार का कमाल देखना चाहते हो तो ये देखो। ये तो कोई ऐसी चीज है जो दिख नहीं रही है पर वार कर रही है। ये क्या है बॉस? यस, ये देखो मेरी इनविजिबल पावर स्टोर की चिप। इसमें मेरा वो पावर बंद है जिसकी मदद से मैं किसी को भी इनविजिबल कर सकता हूँ और उससे वार करवा सकता हूँ। अब देखो इसका कारनामा। ये अदृश्य एयरक्राफ्ट्स तो सच में बर्बादी और तबाही मचा देंगे। अब वीर नहीं बच सकता। दादाजी, अगर गाजर महंगे हैं तो हम कोई और फ्रूट ले लेते हैं। नहीं, गाजर ही चाहिए, मुझे गाजर खाने हैं। ये क्या हो रहा है? अरे ये नुकीला बॉल, ये कहां से आया? ओए देखो, इस बॉल को कोई आसमान से कंट्रोल करके हम पे वार कर रहा है। हाँ। अरे वो देखो, ये तो बंटी को लेके गायब हो गया। जरूर मैड मैक्स की ये चाल होगी। दादाजी देखिए, फिर से वो बॉल आसमान में आ गया है। बंटी खतरे में है। दादाजी मुझे ही कुछ करना होगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। जी, आसमान में वो बॉल फिर से गायब हो गई है। लगता है मैड मैक्स किसी इनविजिबल पावर का इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या भारी चीज मुझसे टकराई? और वो नजर क्यों नहीं आ रही? एक्सरे विजन ऑन। अरे अजीब है, एक्सरे विजन में भी कुछ नहीं दिख रहा। वीर, तुम्हारा एक्सरे विजन भी मेरे इनविजिबल पावर को देख नहीं सकता। आसमान से गायब हो गए।
सूट भी ब्रेक हो गया। आखिर ये सब है क्या? वीर, अब तुम पूरी तरह से फंस गए हो। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। तुम्हारी चाल इस बार भी कामयाब नहीं होगी मैड मैक्स। बचा सकते हो तो अपने आप को बचा लो वीर। मेरी इलेक्ट्रॉनिक जहरीली गैस बड़े से बड़े रोबोट को पिघला देती है। तुम भी पिघल जाओगे। बॉस, वीर ने तो एयरक्राफ्ट ब्लास्ट कर दिया। वीर ने प्लेन ब्लास्ट किया, पर साथ में तो वो भी डिसमेंटल हो जाएगा। वीर, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? दादाजी, मैड मैक्स ने इनविजिबल एयरक्राफ्ट बनाया हुआ है, उसी में मुझे अब्सॉर्ब कर लिया था और मेरे पावर्स भी छीन लिए थे। कोई बात नहीं वीर, इस बार तुम इमरजेंसी सूट का इस्तेमाल करोगे। वीर, इसमें कुछ अलग फंक्शंस हैं, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दादाजी, इस बार मैड मैक्स के पास गायब करने वाली उस एयरक्राफ्ट की पावर को ही खत्म करना होगा, ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत करने की सोचे भी ना। मैं जाता हूँ। ये प्रेम सहाय हर बार वीर को हेल्प करके मेरा प्लान फेल कर देता है। इमरजेंसी पावर सूट दिया है वीर को। बॉस, अब क्या होगा? होगा वही जो मैड मैक्स चाहता है। अब इस बार मैं खुद इस इनविजिबल पावर चिप का इस्तेमाल करूंगा। और हाँ, ये मेरा रिमोट रखो, तुम इससे मुझे देख पाओगे। थैंक यू बॉस। ओह, वीर द रोबो बॉय इस इमरजेंसी रोबोटिक सूट में। हाँ, बुराई के अगर अलग रूप है तो अच्छाई के भी अनेक रूप है मैड मैक्स। एक्स-रे विजन ऑन। मोना, ये तो बॉस का ही हमला है। वो देखो, वो रहे बॉस। हाँ, हम बॉस को देख सकते हैं। म्याऊ। आखिर मैड मैक्स ने इनविजिबल होकर वीर पर अपने वार शुरू कर ही दिए। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वीर, वीर, अपने थंडरिंग फंक्शन का इस्तेमाल करो। ओके। वीर कैसे मुझे देख सकता है? ये बारिश मेरा प्लान चौपट कर रही है। मोना, बॉस की तो पिटाई शुरू हो गई। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। मेरी पावर चेन।
वीर, मैं फिर आऊंगा। मैंने अभी हार नहीं मानी है। बहुत अच्छे वीर, मैंने तुम्हारा आविष्कार करके कोई गलती नहीं की है।